पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नाटक है दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति और भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति। नाटक करने वाले व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। दिल्ली को जिस प्रकार से तबाह और जिस प्रकार से अपने वादों से हमेशा मुकरने का उन्होंने जो काम किया है, आज एक उन्होंने एक इस्तीफे का नाटक किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जहां देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के लिए ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी पास बताते नजर आए हैं तेजस्वी यादव और कहा है कि एक चौथी पास पीएम के पैर हमारे मुख्यमंत्री छूते नजर आते हैं, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त निशाना साधते हुए उन्हें संस्कारहीन बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने इस बयान से साबित कर रहे हैं कि ना वो कभी संस्कार सीख पाए ना कभी सीख पाएंगे। साथ ही साथ राजद पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा, भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताई। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर नित्यानंद राय ने जबरदस्त निशाना साधा, उन्हें घोटालेबाज और यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल केवल झूठ बोलते हैं और केवल नाटक करने का काम करते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। नाटक है दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति और भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति। नाटक करने वाले व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। दिल्ली को जिस प्रकार से तबाह और जिस प्रकार से अपने वादों से हमेशा मुकरने का उन्होंने जो काम किया है, आज एक उन्होंने एक इस्तीफे का नाटक किया है। और आज जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली हैं, जिनको उन्होंने नेता माने शपथ जब भी ले आज उनकी घोषणा जो केजरीवाल जी करने वाले हैं, वह क्या बोली कि केजरीवाल जी ही यहाँ के वास्तविक मुख्यमंत्री हैं और वही एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री है। और उन्होंने इसकी घोषणा की, इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है कि कोई जब नेता चुनी गई अपने विधायक दल का और जिसको केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, वह कहे कि केजरीवाल जी यहाँ वास्तविक मुख्यमंत्री हैं, जब उनको बहुत सारी चीज़ों से न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया तो मजबूर होकर वह इस्तीफा दिए हैं। और यह इस्तीफे का नाटक है, वह झूठ के पुलिंदा का मतलब केजरीवाल, भ्रम फैलाने वाले का नाम केजरीवाल और नाटक करने वाले का नाम केजरीवाल, जो सिर्फ बात करने में लगता है कि अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे जनता की भलाई नहीं होती है, उसमें जनता के अधिकार और जनता के विकास को रोकने दबाने और दिल्ली को बर्बाद करने की बात उसमें छुपी होती है। सर, सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और चर्चा ये है विश्वकर्मा पूजा की, सबको बहुत बहुत बधाई। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है और इस सरकार के तीसरे कार्यकाल का भी 100 दिन पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी इस देश के गरीबों के लिए जिए, इस देश के युवाओं के लिए जिए, इस देश के किसानों के लिए जिए, इस देश के नारी शक्ति के लिए जिए और अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है। वैसे प्रधानमंत्री जी को आज यह देशवासी, भारत वर्ष के लोग, नर नारी सभी देशवासी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी स्वस्थ हैं,
और लगातार देश सेवा जन सेवा में लगे हुए हैं, स्वस्थ रहे ताकि देश सेवा और जन सेवा का अवसर उनको मिलता रहे, यही प्रार्थना है। प्रधानमंत्री जी का मारले को नया बता रहे हैं, मंत्री जो है वो फेल बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को तेजस्वी यादव चौथी फेल बता रहे हैं और कह रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी फेल का बैठ चुके हैं। दुनिया प्रधानमंत्री जी के ज्ञान को, दुनिया प्रधानमंत्री जी के कर्म को, उनकी कर्मठता को और जिनके नेतृत्व में पूरा देश आज प्रगति के पथ पर है, भारत सशक्त हो रहा है, जहां शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव लाया गया है, जहां पूरी दुनिया भारत की शिक्षा व्यवस्था को इतना संपन्न मान रही है और जिनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश के गांव गांव जन जन तक पहुंच रही है, उसके यानी तेजस्वी जी के इस कथन से यह साबित होता है कि तेजस्वी कभी संस्कारित न हो सकते हैं, न कभी अच्छी बातें कर सकते हैं। जिस प्रकार के संस्कार को उन्होंने पाया है उस प्रकार की भाषा बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के मसीहा है, इस देश के गरीबों ने उनको मसीहा माना है, इस देश के कर्म योगी गरीबों के मसीहा के लिए अगर कोई इस प्रकार का शब्द बोलता है, उनकी योग्यता, उनकी बुद्धिमता, उनके ज्ञान, उनकी कर्मठता, उनका परिश्रम और एक दुनिया को ऐसा दार्शनिक मिला जो वास्तव में पूरी दुनिया के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का जिन्होंने दर्शन दिया, वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ जो व्यक्ति आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, वैसे इस प्रकार के तुक्ष बुद्धि वाले संस्कारहीन तेजस्वी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और कह रहे हैं कि हम 2025 में अगर हमारी सरकार बनी, तो हम लोग जो है 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री करा देंगे और बहुत सारे जनता से वादा भी उन्होंने किया है, कैसे देख रहे हैं? 15 वर्षों तक उनके पिताजी जो RJD उनकी पार्टी है और जिसके सुप्रीमो रहे हैं उनके पिताजी, RJD की उसकी सरकार रही, 15 वर्षों तक गरीबों को उन्होंने लूटा और बिहार सिर्फ बदनाम हुआ, जिस बिहार में घोटाला ही घोटाला हुआ, परिवारवाद हुआ, जहां अपराधियों को संरक्षण दिया जाता रहा, जहां भय का वातावरण पैदा करने वाली RJD पार्टी, वह कोई भी वादा कर ले कोई विश्वास नहीं करेगा। इस बिहार को विनाश और बदनाम करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली पार्टी RJD और उसके नेता तेजस्वी जी आज पदयात्रा पर निकलकर आज जो कुछ कर रहे हो, बिहार की जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। RJD का मतलब घोटालेबाजों की पार्टी, RJD का मतलब परिवारवादियों की पार्टी, RJD का मतलब अपराधियों को संरक्षण देने वाली की पार्टी, अपराधियों का मतलब बिहार के बदनाम, बिहार को बदनाम मी देने वाली पार्टी, RJD का मतलब बिल्कुल भ्रष्टाचारियों की पार्टी। तो उस पार्टी जो है वैसी पार्टी के नेता तेजस्वी जी जो भी बोल रहे, बिहार की जनता उस पर विश्वास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं गिर गिराते हैं, दो बार हम कल्याण कर चुके हैं।